नमस्कार दर्शक बंधु आमना स्वागत कर विकास राज्य में वर्तमान टेस्टिंग बढ़ुव पॉजिटिव केस भी अधिक आसुची राज्य में संक्रमण हार एवं 22% रही विशेषज्ञ माने एने की आगुआ चेतावनी दे जे लॉकडाउन घोषणा करहरी 2 सप्ताह अधिक बढ़ाई दि जाए अधिक आलोचना करवा आम सहित स्वास्थ्य विशेषज्ञ तथा वरिष्ठ डाक्तर श्री नीरज मिश्र अच्छा श्रीजुक्त मिश्र आपन को स्वागत करुँ आगु कहते जो भाई वर्तमान पीक रे रही कोरोना देश रे एवं ओडिशा कथा देखिवा गत 1 सप्ताह धरिकी लगातार भावे 10,000 ऊपर केस आसुची कौन भावुंत आपण वर्तमान राज्य स्थिति संक्रमण स्थिति आग को लॉकडाउन जो 15 तारीख 19 शेष होता शेष होगापर कटकणा कोहल करवा दरकार ना ये लॉकडाउन आउ बढ़ेबार आवश्यकता रही आगे आम देखा पॉजिटिविटी हारटा ए 20% उपर अच्छे आप जमी कहते 22% अच्छे एत हाई पॉजिटिविटी रे आमे जदि लॉकडाउन टा कोहल करदे ताले संख्या बहुत बढ़ीजी जमती कि दिल्ली रे होता कि महाराष्ट्र में पॉजिटिविटी रेट बहुत हाई था से रेस्ट्रिक्शन कले ना दिल्ली में पॉजिटिविटी रेट 35% पर्यंत पड़ेगा जो द्वारा मन थी 30,000 पाखापाखी केसेस होगा केते डेथ है हॉस्पिटल बेड मिललानी तांकर रेस्ट्रिक्शन जमी कले एवं मसे पर पॉजिटिविटी रेट 10% को पलि आसला आज 8,500 केस होगा तेणु आमुक जदि लॉकडाउन अवधि न बढ़ेगा मानते पॉजिटिविटी रेट जितना 22 कि 20% ऊपर को अच्छे तेल आम एगेन नंबर ऑफ केसेस आम रैपिडली बढ़ो जेहतु आम पीक अटेंड करना आम पीक अटेंड करा पूर्व लॉकडाउन को चल जाइए गोटे टाइप प्लाट्यू हो अच्छी जेहतु आम लॉकडाउन मेजर्स नहीं चाहे जदि आपको टी आम आगे न बढ़ेगा तेल निश्चय नंबर ऑफ केसेस बढ़ो एवं सिग्निफिकेंटली बढ़ो जेहतु पॉजिटिविटी रेट बहुत अधिक अच्छे ओके डॉक्टर मिश्रा ये गोटे बड़ कथा जे 22% रोचे सेपटे 10,000 ऊपर केसेस सामना को आसुची आपड़ जहाँ कहते पीक को जीवा पूर्व आम राज्य में लॉकडाउन घोषणा कर आपको कौन लगुच जो भाई केसेस आसुची लॉकडाउन इफेक्टिव हो कि ना लॉकडाउन इफेक्टिव नहीं लॉकडाउन इफेक्टिव हो इन द सेंस आम जब लॉकडाउन आज करना था हुए तो आम एना 20,000 पाखापाखी केसेस देखी था ट्रांसमिशन चेन ब्रेक करेंगे किसी परिमाण तो यहाँ कम कर आगु जो धरतु पॉजिटिविटी रेट आप कलाहांडी देखिए 55% थी 42% थी सुंदरगढ़ में तेणु बर्तमान जब देखिए पॉजिटिविटी रेट से भी कमी आसला तेणु आम जब से सबको नजर रखि न था आम जब लॉकडाउन न करें तो रेट्रे बढ़ी था निश्चय 20,000 उपर था जोटा कि आम हेल्थ केयर सिस्टम को ओवरवेलम कर देता एवं भी आप जापरते प्राइवेट हस्पिटाल गुटा कि भल भल जगार आईसीयू रे बेड मिलोनी आपंक इवेन हस्पिटाल गोटे बेड भी मिलोनी तेना से भी एपर्त भी आम ये पेसेंट आम जो प्रॉपर हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छे से आम जस्ट एडिक्वेट हो तेणु आम जब अधिका केसेस होता आम संभा पार न था तेना से ही दृष्टि देखिले आमको आगू जदि कर दिल्ली में भी से 35% आरंभ कले प्रथम 2 सप्ताह टी टाइम लगे कारण से आगुरी जो मैंने इनफेक्टेड हो जाते द्वारा ट्रांसमिशन टा अधिका हो चलती तार इफेक्ट गुड़ा जिते लॉकडाउन कमिंग 2 वीक्स आसो एक्जाक्टली दिल्ली में से आईला से लॉकडाउन अवधि आज 2 सप्ताह बढ़े बर्तन देखुंतर ड्रामाटिकली नंबर ऑफ केसेस कमिला पॉजिटिविटी रेट भी अभी 10% होगा तेणु आमर भी से हम जदि आम लॉकडाउन को 2 सप्ताह एक्सटेंड करवा जदि एक्सटेंड न करवा नंबर ऑफ केसेस जहाँ लगुच्चे निश्चय बढ़े ओके डॉक्टर मिश्र आपण जहाँ कहते वर्तमान राज्य में जो भाई स्थिति रही गोटे प्रकार प्लाटो स्टेज रे रही कोरोनार संक्रमण हार किंतु ये प्लाटो स्टेज रु कम आसब कि कमिबो कहना एवं जो देखा गाँ मुहा भी कोरोना है अनेक गाँव खबर आसार व्यापिला आगुरी सहर से अधिक केसेस आसूला ट्विन सिटी में तो 1,000 ऊपर केसेस आसूँ प्रत्येक दिन एवं गाँ मुहा है एपटे लॉकडाउन बढ़ावा कथा कहुच्छे जदि आम लॉकडाउन बढ़ावा आपड़ कौन आशा करुँच ये जो संक्रमण व्यापुची सी आगामी दिन में हूँ तो ह्रास पाइब निश्चय निश्चय हास प्रभाव एमती भी आम जहाँ लगुला ओडिशार आम पिक करते आम एंड ऑफ मे बेलू okay. आक्रस इंडिया थिला गोटे मे 15 बेलू पिक कर किंतु जो माने आगे अफेक्टेड होते महाराष्ट्र दिल्ली से माने ऑलरेडी पिक कर सारे आम जेहतु ओडिशा आम टे मसे पाखापाखि लेट्रे स्टार्ट कले आम मे एंड होता पिक करने तेणु आम जब बर्तन अवधिटा बढ़ेदेबा तो हूँ तो मे एंड बेलू आम पिक हम ना से ही आम डाउनवर्ड ट्रेंड स्टार्ट इवन इनफैक्ट आम जब देखा गोटे सप्ताह बेलू आम नंबर ऑफ केसेस 10,000 तौक निश्चय चल जाए जून 1 तारीख बेलू आम कमिया को लगे जोटा कि एक्सपेक्टेड कि जून मसरे आक्रस इंडिया सब जगह पिक कर सारी थी धीरे धीरे कमी ओके
डॉक्टर मिश्र ट्रीटमेंट कथा प्रसंग उपरक आसवा जे ट्रीटमेंट जो भाव चली वर्तमान आप जानते हैं अनेक गुड़े वैक्सीन प्रोसेस चली युवपीढ़ी को मध्य दि जाऊपटे टेस्टिंग चल रही शिशु मानक कौन लगुच ये वैक्सीनेशन प्रोसेस जहाँ चली ये जदि समस्त वैक्सीनेसन कर हुए तो ये जो सेकेंड वेव आशा कर थर्ड वेव भी आसपार ये से दिगरे मुकाबला कर सहायक हे अज्ञा निश्चय वैक्सीन टा हूँ गोटे आम प्रमुख वेपन जो थे आम रोगटा को सहित लड़ी पार जदि वैक्सीनेशन एडिक्वेट लोक को करदेव वैक्सीनेशन मेन काम है सीवियर कोविड और कोविड रिलेटेड डेथ को सिग्निफिकेंटली कमे माइनर कोविड हो पाए कि सिग्निफिकेंटली रिडक्शन सीवियर कोविड हॉस्पिटलाइजेशन और डेथ जोटा कि आमर दरकार तेणु वैक्सीनेशन आम जिते रैपिड पेस देवा आम बहुत लोगों को वैक्सीनेशन दिखाई आम जब वैक्सीनेशन प्रोसेस ओडिशा तीन मास भीतर सारीदे ताल आम गोटे मानने हर्ड इम्यूनिटी अचीव कर जो जो चेन जो चलती चेन ऑफ ट्रांसमिशन टाक ब्रेक करदे आम कोविड रु बहुत परिमाण में आमको मुक्ति मिल जाव नंबर ऑफ केसेस गुड़ा ड्रामाटिकली कमी तेणु मुझ आशा करमर जमी ग्लोबल टेंडर दिखाई वैक्सीनेशन प्रोसेस को गवर्नमेंट चाहिए अन्य जगह वैक्सीनेशन गुट आसीज आम जब कमिंग तीन चार मस भर आम 60-70% लोक वैक्सीनेट करदे तो मुझे भावी ये रोग थर्ड वेव आसवे ना आम जहाँ भी केसेस सफर कर सारी तापर धीरे धीरे बेटर सिचुएसन को जी निहत भाव में जहाँ आपंत कि जानते हैं अमेरिका रे मास्क को पूरा पूरी ना कर देखा जदि से ही जहाँ आपड़ दौले 70% लोक वैक्सीनेसन कर दिगला प्रत्येक जाप दिगलापर से गोटे प्रकार मास्क को ना कहूँ कई मास्क पिंधे कि भारत कथा देखा ये गोटे प्रकार ऑक्सीजन सिलिंडर कमी रोच स्वास्थ्यावस्था ठीक भाव मिलूनी वैक्सीन सेन्टर खाली पड़ी से वैक्सीन मिलूनी आपण कहते ग्लोबल टेंडर दिगला ये सब जदि आसब समय लगे ये समय जिते बढ़ आगक ये समय को डील करिया पाई मैनेज करिया पाई लॉकडाउन भी सही भली संक्रमण को दृष्टि रखी भी बढ़िया को जरूरी पड़ी कि लॉकडाउन मो मत दुई सप्ताह पर हे तो दरकार पड़े किंतु आमर जो कोविड रो जो एप्रोप्रिएट बिहेवियर लोक मैंने फॉलो करिया पड़े मत मुझे आगुरी भी बारंबार कही 6 मास पर्यंत आम मास्क पिंधा पड़ा जहाँ जहाँ आम कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर अच्छी नंबर ऑफ केसेस कमी गले भी आम फॉलो करिया पड़ो यहाँ जदि आम फास्ट वेव पर फॉलो कर था आज अवस्था न था तेणु आमको थर्ड वेव जमी बर्तन आज ब्राजिल थर्ड वेव आसी सेकेंड वेव तक आसाला डिसेंबर जनवरी बेलू नंबर केसेस ड्रामाटिकली बढ़ला लक्षे पर्यटन केसेस पड़ेगा डेथ रेट बढ़ीगला तापर फेर 2 मास 3 मास कमीगला फेर एवं फेर बढ़ के 85,000 होगा थर्ड वेव तक आसीगला कारण वैक्सीनेशन एडिक्वेट है लोक मैंने भी टी केयरलेस होगले तेनालीमक अफोर्ड करेंगे टिल आम एडिक्वेट वैक्सीनेशन ने पर्यटन आमेरिका से कौन जो वैक्सीन रोचे तार इफिकेसी 95% मोर दैन 90% कि आम जो वैक्सीन रोचे तार इफिकेसी 70-80% तेनाली मन रखा कथा जैसे गोटे प्रपर वैक्सीन नौ जोटार इफिकेसी बेटर किंतु से माने जो डिसीजन नहीं मास्क पिंधे मतलब लगुच बैकफायर करपे एवं यूके रे देखते 3 मास लॉकडाउन पर 18 लॉकडाउन खोल बार किंतु तापर से सेकंड थर्ड कर कारण इंडियन स्ट्रेन बर्तन 1200 लोक बाहर डॉक्टर मिश्र ये अमेरिका जो भाई निष्पत्ति नाला जे वैक्सीनेशन सारे मास्क पिंधापी पूरापूरी मना करदे आम जदि जी राज्य कि देश में जो मैंने वैक्सीन नहीं सारी सेकेंड डोज भी नहीं सारी ये गाइडलाइन फॉलो करवा निहाती जरूरी मास्क पिंधा आवश्यक ही रही निश्चय आज रही रही है वैक्सीन 70-80% इफिकेसी मैंने आप 20-30% चान्स कि आप इनफेक्शन एक्वायर करेंगे आपको सीना सीवियर इनफेक्शन हमें किंतु आपड़ी से इनफेक्शन अन्य मानक ट्रांसमिट करेंगे जो मैंने वैक्सीनेटेड होना तेल से सीवियर कोविड हो पाए से दृष्टि आम जब पब्लिक की जी आप निजे घर भितर आम समस्ते वैक्सीनेटेड अच्छे आम मास्क पिंधा नहीं किंतु जदि आम बाहर को जो पब्लिक अच्छे जो वैक्सीनेटेड नहांती प्रोटेक्टिव इम्यूनिटी ना से तो आमको पूरा मास्क पिंधा पड़ा सोशल डिस्टेंसिंग सबुटा मेंटेन करा पड़ो डॉक्टर मिश्र आप जो कथ कहते जो मैंने वैक्सीन नहीं सारी से हुए तो से वायरस को निजे इनफेक्ट हे कि से वायरस बियरर ही रही देह कि न हुए तो किसी सेम इफेक्ट हेनी कि अफेक्ट कर पारती से भाइर तक भर अर्थात ये वैक्सीन नेला आपन को हुए तो किसी हेनी जो मैंने किंतु वायरस तांको शरीर रही हाँ तांको अफेक्ट कर पारे जेंतु कहले 20-30% चांस कि तांको से वायरस अफेक्ट कर पारे से कोविड 19 ने सफर कर पारती किंतु आइदर असिम्प्टोमेटिक हे नर माइल्ड कोविड हे तेणु से सीवियर कोविड हबार संभावना बहुत कम तेणु से ही दृष्टि जेहतु माइल्ड कोविड हे कि असिम्प्टोमेटिक इनफेक्शन हे से अन्य स्प्रेड कर कैपेसिटी रखिले तेणु से डर रही है तेणु से मास्क न पिंधि बाहर को जी निजे इनफेक्टेड अच्छा अन्य स्प्रेड करेंगे
ओके अन्य मानको स्प्रेड करबे जे आपण परामर्श दउथले ये गोटे बड़ प्रश्न रहउची राज्य रे जे बुली भाबे गत एक सप्ताह धरी 10,000 ऊपर केसेस आसुची डॉक्टर मिश्र ये बड़ चिंतार विषय काहे कि ना आमे आपण कहउछन्ते जे लॉकडाउन वृद्धि करबा कथा एपटे वैक्सीनेशन सेंटर अव्यवस्था सामनाकु आसुची वैक्सीन पर्याप्त परिमाण रे सरकार हुए तो उठे नांती या फिर ठीक भाबे मैनेजमेंट करबारे गोटे प्रकार फेलियर होइछन्ती आउ गोटे कथा सामनाकु आसुची कोविशील्ड टीका कु नै एक गैप बढ़े दिया जाइछि आगुरु जहाँ को 48 दिन कहा जाउथला एबे ताकु 12 सप्ताह जाय के बढ़े दिया जाइछि ए गैप को आपण केम देखछन्ती फास्ट वैक्सीन नबा परे जाब नबा परे सेकंड जो डोज रहिछि ताकु नबारे गैप काम देबो कि आज्ञा ए डिसीजन टा बिल्कुल ठीक अछि कारण जो कोविशील्ड रे जेतल तंग स्टडी आस्तला से मन देखि देले जदी 28 दिन परे दोचंती सेकंड डोज त एफिकेसी ओनली 55% जदी से माने 3 मास रे दोचंती जदी 12 वीक परे दोचंती एफिकेसी होची 81% तणे यूके रे कोन कले से माने फास्ट शॉट टाउ समस्त देले सेकंड शॉट टाउ डिले कले 12 वीक्स रे देले तणे तंकर सेटा करी के तंकर सक्सेसफुल रहला तंकर वर्तन एपन त तंकर बहुत सक्सेसफुल अछि काली तंकर डाटा अछि से माने 11700 डेथ प्रिवेंट करि पारचंती एवं 33,000 हॉस्पिटलाइजेशन से प्रिवेंट करि पारचंती तंकर जति के लोकक वैक्सीनेशन देचंती आ तणे सेटा गोटे दृष्टि रे हम जदि टिके डिले करि देबा एफिकेसी बेटर रहइबो एवं जेहेतु आम डिले कले मोर नंबर ऑफ वैक्सीन विल बी अवेलेबल जो मानक प्रथम शॉट मिल जाव प्रथम शॉट पर से देखा जाए 21 दिन पर आपंकर सीवियर कोविड और कोविड रिलेटेड डेथ अगेंस्ट 80% प्रोटेक्शन मिल जाए तेनालीटा रखापाखि 3 मास जाए 90 डेज जाए तेनालीर जब वैक्सीनेसन अराउंड 12 विक्स नहीं गले ताले आपनकर सेकंड डोज रे गोटे बूस्टर हिसाब से काम करिवो तण आपनको 3 सप्ताह पर प्रोटेक्शन मिल जाउची नेते पर जे आपन परामर्श देउछन जे 3 सप्ताह पर प्रोटेक्शन नेते पर मिलिजबो सही समान प्रश्न रहइबो वैक्सीनेशन को नै अनेक द्वंद रहउची लोक माने फर्स्ट डोज नेबा पर सेकंड डोज नवा पई कि जल्दी टिके चाहउछन्ती अनेक जगह रे वैक्सीनेशन मिलुनी लेट हो जाउची खास कर युवपीढ़ी एवं वरिष्ठ लोक मान को भितर एक प्रकार आशंका रहिछि जे वैक्सीन केउ माने नबा अति जरूरी आज्ञा वैक्सीन तो जो मैंने टी एल्डरली आगे जरूरी निश्चय कारण से एबी हायर रिस्क अफ तर इनफेक्शन रिस्क अधिकर डेथ हवार रिस्क अधिका सेकेंड वेव रे देखे यंगर ग्रुप भी अफेक्टेड होकर भी रिस्क अफ डेथ होती जो मैंने टी एल्डरली कोमोरबिडिटी से रिस्कटा मच हायर तेनाली प्रायोरीटी ग्रुप से आसवे तेनाली गवर्नमेंट डिसीजन नहीं था जब 45 विथ कोमोरबिडिटी आगे प्रायोरीटाइज कर वैक्सीनेसन दिजा ठीक डिसीजन था तेणु सेकेंड शॉटा को मो मत टाइमली देदेव कथा वैक्सीनेशन रैंप अप हो सो भाई मत लगुच भाई जून जुलाई बेलू आम एडिक्वेट वैक्सीनेशन आसो जहाँ सर्टेज हो गोटे मस भितर अन्य वैक्सीनेशन गुड़ापी भी फास्ट ट्रैक गवर्नमेंट अप्रूवल देदेगी तेणु मॉडर्ना फाइजर युवक सब वैक्सीनेशन भी अवेलेबल होगा सिलेक्टेड सिटी में प्रथम दिज्वे जेहतु तार स्टोरेज गुड़ा टी आम बहुत लो टेम्परेचर दरकार जोटा कि आम स्पुटनिक भी रे बर्तन होते -18 डिग्री दरकार तेनाली डिसाइड कर 35 सिटीज रे से माने देबे किंतु जदि एगुडा सब दिखते अन्य वैक्सीन गुड़ा रिलीज होटा कि आमर पेरिफेरल प्लेस को छोटो टाउन गुड़ा करे छोटो सिटी गुड़ा करे जोटी फैसिलिटी नहीं कि आम लो टेम्परेचर रे स्टोर करियोर से अन्य वैक्सीन गुड़ा आम देपर वैक्सीन अवेलेबिलिटी बढ़ी जा तेनालीटा बहुत जरूरी कि आम फास्ट ट्रैक कर फास्ट ट्रैक करवा वैक्सीनेसन केमी अधिका लोक आम देपर ड्यूरेशन टा ये इंपोर्टेंट नुहे अवश्य एवं जस्ट यूके रे से माने सेकंड थर्ड नौ आम जो इंडियन वेरिएंट तंकर टिके जेते 1200 केस आसीगला तेणु से भावुंत काले तंकर गोटे थर्ड वेव आसो इंडियन वेरिएंट पे कौन करते बर्तन भावुंत जो मानक सेकेंड डोज दबार था अर्लीयर देवे 12 सप्ताह न देखिए 8 सप्ताह बेलू देदेवे प्लां करते तेणु से वल्नरेबल ग्रुप को आगे प्रायोरिटाइज करेंगे सेकेंड डोज टा देवाई एटा अमर जो डबल म्यूटेंट वेरिएंट रो कंसर्न पई सेटा करचेंदी तेणु आमको भी सेटा प्लान करिया पड़े टिके जो माने कर फास्ट शॉट नहीं सरचेंदी तांको प्रायोरिटाइज करी आम सेकंड शॉट तांको दे देबा तापर जो माने 18 टू 45 इयर्स रो अछंती एवं जो माने तांकर फास्ट शॉट नहीं नांती सेमान को नेक्स्ट जा सिक्वेंशियली जो माने रजिस्टर करछन तांको लाइन अनुसार तांको दबो ओके डॉक्टर मिश्र ये गोटे कथा आपण वेरिएंट कथा कहउथले एवं अनेक इंटरनेशनल मेडिकल जर्नल रे या मध्ये आसु जे ई इंडियन वेरिएंट को नेके अनेक भय खेली जाय छी खास कर कि कहवा आम जदि फास्ट वेव रे अधिक वरिष्ठ लोक अटाक करूला कोरोना भाइरस किंतु सेकेंड वेव रे आपण जेमिति कहउथले जे युवपीढ़ी माने अधिक संक्रमित होउछन्ती एवं जहाँ चित्र मध्ये आसुची जे सेमानकर अधिक मृत्यु मध्ये घटुची कोन रीजन रही पारे ये इंडियन वेरिएंट जो कथा कहा जाउची वर्तमान समय रे जो ताजा जो कोरोना भाइरस संक्रमण व्यापुची ये डिफरेंट अछि कि लास्ट वेव रे जे आसतला ना ये अपग्रेड होउची भाइरस
ନାଇଁ ଇଏ ତ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଭାଇରସ୍ ହେଇଛି, ଏ ଯେଉଁ ମ୍ୟୁଟେସନ୍ ଦୁଇଟା ହେଇଛି ସେଥିରୁ ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ମ୍ୟୁଟେସନ୍ ହେଇଛି ଯେଉଁଟାକି ଆମେ E484Q କହୁଛୁ, ଏବଂ ସେଇଟା ଅଲମୋଷ୍ଟ ସିମିଲାର ମ୍ୟୁଟେସନ୍ ଯେଉଁଟା ସାଉଥ୍ ଆଫ୍ରିକାନ୍ ଭେରିଏଣ୍ଟ ଥିଲା E484K। ସେଇଟା ସାଉଥ୍ ଆଫ୍ରିକା ଦେଖାଯାଇଥିଲା, ସେଇଟା ଟିକେ ୟଙ୍ଗର ଜେନେରେସନ୍କୁ ଆଫେକ୍ଟ କରୁଛି, ଏମାନେ ସେମାନଙ୍କୁ ସିଭିୟର ଡିଜିଜ୍ ହେଉଛି, ସେମାନଙ୍କର ଡେଥ୍ ହେଉଛି, ସେଇଟା ଗୋଟେ ଆସିଥିଲା। ଆମର ଏଇ ଯେଉଁ ଭେରିଏଣ୍ଟଟା ତେଣୁ ଯେହେତୁ ସେଇ ମ୍ୟୁଟେସନ୍ଟା ଅଛି ତେଣୁ ଏଇଟା ୟଙ୍ଗର ଗ୍ରୁପ୍କୁ ହେଉଛି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ବି ଡେଥ୍ ହେଇଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ ଏବେ ବି ମନେ ରଖିବା ଯେ ଆମର ଇନଫେକ୍ସନ୍ର ରେଟ୍ ମାନେ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଟିକେ ଏଲ୍ଡରଲି ପର୍ଟିକୁଲାରଲି କୋମୋରବିଡିଟି ସେମାନଙ୍କର ଷ୍ଟିଲ୍ ଭେରି ହାଇ, ୟଙ୍ଗର ଏଜ୍ ଗ୍ରୁପ୍ ଅପେକ୍ଷା ଏବେ ବି ସେମାନଙ୍କର ଅଧିକା। ଏଇ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ଟା ହାଇଲି ଇନଫେକ୍ସିୟସ୍, ରାପିଡ଼ଲି ସ୍ପ୍ରେଡ୍ କରୁଛି, ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଇମ୍ୟୁନ୍ ସିଷ୍ଟମ୍କୁ ବାଇପାସ୍ କରିବା କାପାସିଟି ଅଛି। ତା'ମାନେ ଆଗରୁ ଆପଣ ଇନଫେକ୍ଟେଡ୍ ଅଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ବଡ଼ିରେ ଇମ୍ୟୁନିଟି ଅଛି, କିମ୍ବା ଆପଣ ଭ୍ୟାକ୍ସିନେସନ୍ ନେଇଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ଭ୍ୟାକ୍ସିନେସନ୍ ନେଇକି ଆପଣ ଦେହରେ ଆଣ୍ଟିବଡ଼ି ଅଛି, ତଥାପି ଏ ଭାଇରସ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଫେକ୍ଟ କରିବାର କାପାସିଟି ରଖୁଛି। ଏଇ ଗୋଟେ ରିଜିନ୍ ଦେଖାଗଲା ସାଉଥ୍ ଆଫ୍ରିକାର ଗୋଟେ ଷ୍ଟଡ଼ିରେ ଯେ ଆମେ ଯେଉଁ ଭ୍ୟାକ୍ସିନେସନ୍ ଦେଲେ ତାର ଇଫିକେସି କମ୍ ରହୁଛି ବୋଲି ସେମାନେ କୋଭିସିଲ୍ଡ ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ। କିନ୍ତୁ ଷ୍ଟଡ଼ି ଆସିଯାଇଛି ଏବେ, ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଇଣ୍ଡିଆରେ ଆମ ଷ୍ଟଡ଼ି ଆସିଗଲାଣି ଯେ ଆମର ଯେଉଁ ଦୁଇଟା ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ଇଣ୍ଡିଆରେ ଦିଆହେଉଛି ସେଇଟା ଆମର ଏଇ ଡବଲ୍ ମ୍ୟୁଟାଣ୍ଟ ଭେରିଆଣ୍ଟ ଏଗେନ୍ସରେ କାମ କରୁଛି। ତେଣୁ ଆମକୁ ସେ ବିଷୟରେ ଡରିବାର ନାହିଁ ଯେ ଆମେ ଭ୍ୟାକ୍ସିନେସନ୍ ଦେଲା ପରେ ବି ଏଇଟା ସିଭିୟରଲି ଆଫେକ୍ଟ କରିବ ନୁହେଁ, ଏ ଭ୍ୟାକ୍ସିନେସନ୍ ଏ ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ ଏଗେନ୍ସରେ ଆମ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ଦୁଇଟା କାମ କରୁଛି। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଡକ୍ଟର ମିଶ୍ର, ଇଏ ଥାର୍ଡ ୱେଭ୍ କଥା ବି କୁହାଯାଉଛି, କାରଣ ବ୍ରାଜିଲରେ ଆପଣ ଯେଉଁଭଳି କହୁଥିଲେ ଯେ ଏହାର ନେକ୍ସଟ ୱେଭ୍ ଆସିସାରିଲାଣି, ସେଠାରେ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା ଏବଂ ପଜିଟିଭ୍ ରେଟ୍ ବି ବଢ଼ିଲାଣି, ଥାର୍ଡ ୱେଭ୍ କଥା କୁହାଯାଉଛି, ଇଏ ଯଦି ଭାରିଏଣ୍ଟ ବଦଳାଉଛି ଏପଟେ ଭ୍ୟାକ୍ସିନେସନ୍ ଚାଲିଛି, ଆଗକୁ ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ଆମକୁ କେମିତି ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ? ଆଜ୍ଞା, ସେଥିଲାଗି କହିଲେ ଆମକୁ କୋଭିଡ୍ ଆପ୍ରୋପ୍ରିଏଟ୍ ବିହେଭିୟର୍ଟା ଆପଣ 6 ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ନମ୍ବର ଅଫ୍ କେସେସ୍ କମିଯାଉ, ଡ୍ରାମାଟିକାଲି କମିଯାଉ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆମେ ଆମେ ଶୁଣନ୍ତୁ, ସିମ୍ପୁଲ ଯଦି ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିବା, ଷ୍ଟଡ଼ି ଆସିଯାଇଛି ଆପଣ ଡେଥ୍ ରେଟ୍ ଇଜ୍ 78% ଲେସ୍, କେବଳ ଯଦି ମାସ୍କ ପ୍ରପର୍ଲି ପିନ୍ଧିବେ। ଯେମିତି ମୁଁ ଦୁଇଟା ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିଛି, ତିନିଟା ସର୍ଜିକାଲ ପ୍ଲାଏର 3-ପ୍ଲାଏ ମାସ୍କ ବହୁତ ଶସ୍ତା, ମୁଁ ଦୁଇଟା ପିନ୍ଧିଛି, ଆପଣ ଦୁଇଟା ପିନ୍ଧନ୍ତୁ, ପ୍ରପର୍ଲି ତାକୁ ପିନ୍ଧନ୍ତୁ, ନାକ ଉପରେ ପିନ୍ଧନ୍ତୁ, ଆପଣ ରିସ୍କ ଅଫ୍ ଡେଥ୍ 78% କମିଗଲା। ଭାବନ୍ତୁ କେତେ ରିମାର୍କେବୁଲ କଳ ଗୋଟିଏ ଉପାୟ ଦ୍ୱାରା। ତା'ଛଡ଼ା ଆପଣ ଯେମିତି ସୋସିଆଲ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ମେଣ୍ଟେନ୍ କଲେ, ଏବଂ ତିନିଟା ସିକ୍ ଆଭଏଡ଼ କରିବ, ଯେଉଁଟା କ୍ରାଉଡ଼େଡ଼ ପ୍ଲେସ୍, କ୍ଲୋଜ୍ ସ୍ପେସେସ୍ ଏବଂ କ୍ଲୋଜ୍ କଣ୍ଟାକ୍ଟ, ଏଇ ତିନିଟା ଜିନିଷକୁ ଯଦି ଆପଣ ଆଭଏଡ଼ କରିବେ, ତିନିଟା ସି ମନେ ରଖିବେ, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର କିଛି ହେବନି ଆଜ୍ଞା। ଓକେ, ତେଣୁ ଆପଣ ସେଫ୍ ରହିବେ, ଆପଣ ସରାଉଣ୍ଡିଂ ସେଫ୍ ରହିବ, ଆପଣ ଘର ଲୋକ ସବୁ ମାନେ ଭଲରେ ରହିବେ, ଆପଣ ନେବର୍ସ ଭଲରେ ରହିବେ, ଆପଣ ସାଙ୍ଗସାଥି ଭଲରେ ରହିବେ। ତେଣୁ କାହିଁକି ଏ ସିମ୍ପୁଲ ଜିନିଷଟା ଆମେ ଫଲୋ କରିବାନି? ଆଉ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର କାମ ହେଲା ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁଗୁଡ଼ା ସବୁ ଟ୍ରେସିଂ କରିବେ, ଟେଷ୍ଟ କରିବେ, ଅଧିକା ଟ୍ରେସିଂ କରିବେ ଏବଂ ଟ୍ରିଟ୍ କରିବେ, ତେଣୁ ସେଇଟା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର କାମ। ସେମାନେ ତାଙ୍କର ପବ୍ଲିକ୍ ହେଲ୍ଥ ମେଜର୍ଟାକୁ ଆମକୁ ଟିକେ ଆଉ ଟିକେ ପ୍ରାୟୋରିଟାଇଜ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ତା'ପରେ ଟିକେ ମାନେ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ତାକୁ ଆହୁରି ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଓକେ, କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କର ଏଫର୍ଟ ଦରକାର, ଆମକୁ ବି ଏଫର୍ଟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟକୁ ବି ଏଫର୍ଟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ତାହେଲେ ଆମେ ଥାର୍ଡ ୱେଭ୍ଟାକୁ ଆଭଏଡ଼ କରିପାରିବା। ନିହାତି ଡକ୍ଟର ମିଶ୍ର, ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ବି ରହିଛି ଅନେକ ଦର୍ଶକ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଇଏ ଗୋଟେ କଥା କୁହାଯାଏ ଯେ ଆପଣ ଯେମିତି କହୁଥିଲେ ଯେ ଯେଉଁ ଭେରିଆଣ୍ଟ ରହିଛି ଏଥର ସଂକ୍ରମଣର ହାର ଟିକେ ସ୍ପିଡ୍ ଅପ୍ ରହିଛି, ଇଏ ଜଲ୍ଦି ଆଫେକ୍ଟ କରୁଛି ଲୋକଙ୍କୁ, ଜଲ୍ଦି ସଂକ୍ରମିତ କରୁଛି। ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଲାଷ୍ଟ ୱେଭ୍ରେ ସଂକ୍ରମଣ ସିମ୍ପଟମ୍ସ ଦେଖିବାରେ ସମୟ ଲାଗୁଥିଲା, ଏଥର ବି ମଧ୍ୟ ସିମ୍ପଟମ୍ସ ଦେଖିବାରେ ସମୟ ଲାଗୁଛି ନା ଜଲ୍ଦି ସିମ୍ପଟମ୍ ଆସୁଛି? ଆଉ ଜଲ୍ଦି ଖାସ୍ କରି କେଉଁ ପ୍ରକାର ସିମ୍ପଟମ୍ସ ଆସିଲେ ଜଣେ ପୁରା ସିଓର ହେଇଯିବ ଯେ ସେ କୋଭିଡ୍ ପଜିଟିଭ୍? ଆଜ୍ଞା, ଏବେ ବି ଜ୍ୱର, କାଶ ଏବଂ ବ୍ରେଥଲେସନେସ୍ ଏଇ ତିନିଟା ପ୍ରାଇମେରୀ ସିମ୍ପଟମ୍ସ ଅଛି। କିନ୍ତୁ କେତେ ଜଣଙ୍କର କ'ଣ ହେଉଛି, ଖାଲି ହାଲିଆ ଲାଗୁଛି, ଫାଟିକ୍ ଲାଗୁଛି, ଦେହାତ ଗୋଳା ବିନ୍ଧା ହେବ, ହାଲିଆ ଲାଗିବ, ମୁଣ୍ଡ ବିନ୍ଧିବ, ତାଙ୍କୁ ଜ୍ୱର ନଥାଇପାରେ। ଆଉ ସେଥିରେ ଆପଣ ଯଦି ସେ ସିମ୍ପଟମ୍ସ ରହିଲା, ଟିକେ ଆପଣଙ୍କର ଆଖିଗୁଡ଼ା ଟିକେ ନାଲି ପଡ଼ିଲା, କିମ୍ବା ଆପଣ ଟିକେ କାନକୁ ଶୁଭିବା କମିଗଲା, ଗୋଟେ ନୂଆ ନୂଆ ସିମ୍ପଟମ୍ସ ସେଥିରେ ଆସିଛି, କିଛି ସ୍କିନ୍ ରାସେସ୍ ହେଲା, ଏବଂ ଲୁଜ୍ ମୋସନ୍ ଭୋମିଟିଂ ଏଇଟା ଗୋଟେ ପ୍ରୋମିନେଣ୍ଟ ସିମ୍ପଟମ୍ ସେଥିରେ ହେଇଛି, ଆର୍ଥର ବି ଥିଲା କିନ୍ତୁ ଏଥିରେ ଗୋଟେ ମୋର ପ୍ରୋମିନେଣ୍ଟ ହେଇଯାଇଛି। ସେମିତି ଯଦି ବି ଅଛି, ଆପଣ ପ୍ଲିଜ୍ କୋଭିଡ଼୍ରେ ଟେଷ୍ଟ କରାନ୍ତୁ ଏବଂ ଡାକ୍ତରଙ୍କର ପରାମର୍ଶ ନେଇକରି ସେହି ଅନୁସାରେ ଔଷଧ ଖାଆନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ନିଶ୍ଚୟ ଟେଷ୍ଟଟା କରେଇବେ, ଏଇଟାକୁ ନାଇଁ ବସିଯିବେ କି ମୋତେ ସାମାନ୍ୟ ଥଣ୍ଡା ହେଇଛି କି ମୋତେ କିଛି ହେଇନି, ମୋତେ ଖାଲି ପାରାସିଟାମଲ୍ କି ଅନ୍ୟ ମେଡ଼ିସିନ୍ ଆପଣ ଖାଇଦେଉଛନ୍ତି, ସେଇଟା ଠିକ୍ ନୁହେଁ, ଆପଣ ଡାକ୍ତର ପରାମର୍ଶ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଟେଷ୍ଟଟାକୁ ନିଶ୍ଚୟ କରାନ୍ତୁ। ନିହାତି ଭାବରେ ଡକ୍ଟର ମିଶ୍ର, ଆପଣ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ଆପଣଙ୍କୁ ମୂଲ୍ୟବାନ ସମୟ ଦେଇଥିବାରୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲୁ ରାଜ୍ୟରେ କିପରି ରହିଛି କରୋନା ସ୍ଥିତି, ତା ସହିତ ଭ୍ୟାକ୍ସିନେସନ୍ ପ୍ରୋସେସ୍କୁ ନେଇକି ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସୂଚନା ଦେଉଥିଲେ ଏବଂ ପରାମର୍ଶ ମଧ୍ୟ ଦେଉଥିଲେ ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କୁ ଏବଂ ବରିଷ୍ଠ ଯେଉଁମାନେ ନାଗରିକ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଭ୍ୟାକ୍ସିନେସନ୍କୁ ନେଇ। ଡକ୍ଟର ନିରଜ ମିଶ୍ର ଆଜି ଆମର ଆମ୍ନା ସାମ୍ନା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଆମ ସହିତ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସମୟ ସରିଛି, ଏଇଠି ରଖୁଛୁ, ନମସ୍କାର।